अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं लाया एक ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप थर्ड लिंग को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस पर पहले मैं एक पार्ट वन भी बना चुका हूं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले थोड़ी सी अपडेट आई थी छोटी सी 2-3 MB की, तो जो चेंज की ऑप्शन नहीं आ रही थी वो अब सारे पबजी मोबाइल की जितनी भी आईडीज है ग्लोबल वर्जन पे वो आपको पबजी चेंज की ऑप्शन शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये वही चेंज की ऑप्शन है। पहले ये मेरी मेन आईडी पे रहा, मैं आपको चेंज करके विद प्रूफ दिखाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं चेंज ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। आपकी आईडी ना 15 डेज के लिए लॉगिन होनी चाहिए, और जो आपने लिंक किया वो 7 डेज के लिए ना वो लिंक दो, ईमेल और नंबर दोनों, और जो जो चेंज करना है ना वो आपके ना उसी नंबर से लॉगिन हो। मीन अगर आपने ईमेल चेंज करना ईमेल से लॉगिन हो, अगर आपने नंबर चेंज करना है नंबर से लॉगिन हो। और मैं एक और बात, आपको ना ये अनलिंक नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा आपके न्यू जीमेल और नंबर से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं सिंपली अपने ईमेल से लॉगिन कर लेता हूँ जल्दी से। मैं पहले पासवर्ड की ट्राई की थी, लेकिन पासवर्ड ना वो शायद इसका ये नहीं था तो वो नहीं लग रहा था। तो सिंपली सबसे पहले मैं गेम वेरिफिकेशन से मंगवा लेता हूँ कोड। एक एक स्टेप देखना, स्किप मत करना, मैं आपको एंड पे सारा कुछ बताऊंगा। और आपको ना आपकी ईमेल थर्ड लिंक याद होना पड़ेगा, और आप ये तकरीबन विद इन टू से थ्री मिनट आप चेंज कर सकते हो, या आप जितनी दफ़ा मर्जी चेंज कर सकते हो। लेकिन आप जब भी चेंज करोगे ना तो आपके जो ईमेल लिंक्ड या मोबाइल लिंक्ड होगा वो कम से कम 7 दिन आपकी आईडी के साथ लिंक होना चाहिए। मेरी तो बड़ी देर का लगा हुआ, तो मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं सिंपली ईमेल के साथ लॉगिन कर लिया, तो लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ वही आईडी है, और सबकी अपडेट शो हो चुकी होगी 2-3 MB की जो अपडेट आई है। सिंपली मैं आपको सेटिंग पे लेकर चले जाता हूँ। सेटिंग पे चलते हैं, देख सकते हैं। मैं पहले चलता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ या थंबनेल के लिए। तो ईमेल नंबर लिंक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं मोबाइल नंबर को कह रहे हैं। अगर आपके दोनों ऑप्शन क्लिक है, मीन्स के जैसे जैसे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ तो वो कह रहे हैं एंटर योर न्यू ईमेल एड्रेस, कंप्लीट द वेरिफिकेशन ऑफ द ईमेल एड्रेस। मीन्स कि मैं ईमेल से लॉगिन भी हो, मेरी ईमेल 7 दिन लगी भी रही है, और साथ में जो ये वाली आईडी ना 15 दिन हो गए इस डिवाइस के साथ लॉगिन है। मैं सिंपली न्यू ईमेल लगा लेता हूँ और वेरिफिकेशन कोड मंगवा लेता हूँ। सिंपली मैंने न्यू ईमेल लगा दिया, और इसमें मैं कोई क्या ऐड करके करना, आप लोग सारे देख सकते हैं। वो ईमेल दूसरी थी, ये दूसरी है, मैं इसके वो देख भी सकता हूँ, वेरिफिकेशन देख सकते हैं, इसका कोड आ चुका है। और सिंपली मैं इसको कोड को लगा के देख सकते हैं, आपके सामने मैसेज आएगा कि आपकी ईमेल चेंज हो चुकी है। मैं सिंपली इसको कोड एंटर कर देता हूँ, ओके कर दो। लिखा हुआ है चेंज यू कैन लॉग इन टू विद न्यू ईमेल वेरिफिकेशन, जो जस्ट आपने लिंक किया ना, तो इसे मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, देन इसे मैं ओके कर लेता हूँ। देन अगेन मैं चेंज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख रहे हैं, देखना लिखा हुआ 15 दिन से लॉगिन है, लेकिन जो आपने लिंक किया ना वो अभी न्यू ईमेल लिंक किया, तो जब तक इसके 7 दिन पूरे नहीं होंगे आप इसे दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छी ये फीचर है कि अब हैकर से अपनी आईडी बच जाए, क्योंकि अब 15 दिन लॉगिन करनी पड़ेगी फिर ही सारा कुछ सीन वगैरह होगा। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस तरह की ट्रिक के लिए मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दो, साथ में जल्दी से 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।